केंद्र सरकार द्वारा किफायती दामों पर दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से गरीब और जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सोलन के लोग भी इस परियोजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और केंद्र सरकार की इस योजना को बेहद उपयोगी बता रहे हैं। सोलन में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत सोलन में 2 जन औषधि केंद्र है, जहां पर लोगों को लगभग सभी जेनरिक दवाइयां बेहद किफायती दामों पर मिल रही है, जिससे लोगों को लाभ हो रहा है। जन औषधि दिवस पर सोलन में लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि उन्हें जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बेहद कम दामों पर दवाइयां उपलब्ध हो रही है। उन्होंने इस योजना को काफी लाभकारी बताया। जो ये जन औषधि केंद्र यहां पर है, यहां पर सभी लोगों के लिए जो है ये उपलब्ध की जा रही हैं। इसका मोदी सरकार ने ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है, जिससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। मैं यहाँ पे शुगर की दवाई लेने आया था, जो प्रधानमंत्री योजना से दुकान खुली हुई है, तो यहाँ पे हमारे को डिस्काउंट की दवाई मिलती है और काफ़ी अच्छी मिल जाती है, दुकान से भी सस्ती मिलती है, काफ़ी लाभ हो रहा है इसमें। बढ़िया योजना है, प्रधानमंत्री योजना चलाई। सोलन में जन औषधि केंद्र की संचालक मीनाक्षी ने कहा कि अधिकतर लोग जन औषधि केंद्रों से ही दवाइयां खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि अन्य दवाइयों के मुकाबले जेनरिक दवाओं में 70-80% की छूट है, जिससे मरीज इन्हीं दवाइयों को खरीदते हैं। पे लोगों का काफी रुझान है, जो यहाँ पे आके काफी मेडिसिन परचेज करते हैं। यहाँ पे बाहर की मतलब पैरिजन काफ़ी सस्ती मेडिसिन मिलती है। जो जनौषधि वाली आइटम है, इसमें 70-80% काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है। हाँ, लोगों को इसका लाभ हो रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और परचेज कर रहे हैं मेडिसिन। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।